यार गाइस आज ना मैं अपने दोस्त के बर्थडे में जा रहा हूँ भाई। सब उसने मेरे को भाई बुलाया था 2 बजे और अभी बच चुके 5। मैं अभी भी गाड़ी में घूम रहा हूँ, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे भाई वो दोस्त, मेरे को बाद में सुनाएगा। यार गाइस आप लोगों को तो पता ही है ना भाई सब दोस्त लोग कैसे होते हैं। अगर आपका भी ऐसा कोई दोस्त है ना मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके सीधा वहीं पे। और भाई अब मेरे को ना बहुत ही तेज गाड़ी भगानी पड़ेगी यार, मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा हूँ। और मेरी गाड़ी किधर जा रही है भाई? बच गए। चलो यार चलते हैं। यार देख रहा हूँ हमसे तेज कोई गाड़ी भगा सकते है क्या? फुल स्पीड के अंदर निकले हो यार भाई, हमारी गाड़ी क्या ही मस्त चलती है भाई, एकदम हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं हम, मजा आ रहा है भाई। बस दोस्त के बर्थडे पार्टी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जाकर हम एकदम से इंजॉय करेंगे। लेकिन फ्रैंकलिन को क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। इंस्पेक्टर देखिए, मैंने इस विक्टिम को अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट किया है और मुझे यहाँ पर लगता है कि ये बहुत ही तगड़ा ओवर स्पीडिंग का केस है। मुझे यहाँ पर कुछ और इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, इसलिए आप सभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब आपका कोई काम नहीं है, हम यहाँ संभाल लेंगे। लेकिन क्या आपको पता था? यहाँ मुझे पता था कि डॉक्टर केस को संभाल लेगा। मुझे लगता है डॉक्टर वेल्स के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं होगी, उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए कोई चाहिए था और अब वो मेरे सामने है। ओके इंस्पेक्टर थैंक यू सो मच, आप यहाँ से जा सकते हैं। डॉक्टर वेल्स का सपना पूरा हो जाएगा, वो जिस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे पिछले कई सालों से आज वो उसे पूरा कर पाएंगे। डॉक्टर वेल्स ने पहले भी कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो आज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अब पता नहीं ये होगा या नहीं, लेकिन मुझे डॉक्टर वेल्स को बता देना चाहिए, मैं उन्हें जल्दी से ना फोन कर देता हूँ। हेलो डॉक्टर वेल्स, डॉक्टर वेल्स आप बोल रहे हैं? डॉक्टर वेल्स मुझे आप एक खुशखबरी देनी थी। डॉक्टर वेल्स आपको एक एक्सपेरिमेंट पर काम करना था ना, मुझे उसके लिए कोई मिल गया है। जी बिल्कुल जी, मैं अभी उसे लेकर आ जाता हूँ, आप चिंता मत करिए। आप बस वो पैसों का इंतजाम करना डॉक्टर वेल्स, मैं बस अभी कुछ ही देर में आ रहा हूँ, बस सीधा उड़ता हुआ आऊंगा। अब तो मेरी लॉटरी लगने वाली है, डॉक्टर वेल्स का सपना पूरा होगा और मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे। चलो यार जल्दी से ना मैं इसे ये अंदर डालता हूँ गाड़ी में और इसी गाड़ी को लेकर चले जाते हैं। पुलिस वालों को कुछ खबर नहीं होगी कि मैं इसे यहाँ से भगा गया, क्योंकि असलियत में मैं कौन सा डॉक्टर हूँ। ओके तो भाई मैंने ये फ्रैंकलिन को इधर अंदर तो डाल दिया है, अब मैं ना जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलता हूँ सीधा डॉक्टर वेल्स के पास। और उन्होंने मुझे एक लोकेशन भेजी है और हमें ना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ जाना, नहीं तो अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारा ये प्लान फ्लॉप हो सकता है। चलो अभी तो मैं लेकर निकल दूँ गाड़ी यहाँ से सीधा, इसी बंदे की गाड़ी उठा ली मैंने कौन पता करेगा इसकी गाड़ी गायब हुई है यहाँ से। डॉक्टर वेल्स को ये फ्रैंकलिन देते ही बस उसी के बाद मेरे को जैसे ही पैसे मिलते हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यही वाली लोकेशन उन्होंने मुझे बताई थी और भाई ये कहाँ से तोड़ के ही निकल गए। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से इधर मैं अपनी गाड़ी लगा देता हूँ, थोड़ी सी इधर ही एली है एक, यहाँ पर गाड़ी लगाते ताकि किसी को भी कानूकन खबर ना हो। चलो भाई गाड़ी तो यहाँ पर लग चुकी है, अब ना मैं जल्दी से एक बार डॉक्टर वेल्स को फ़ोन कर देता हूँ ताकि वो यहाँ पर आ जाए। डॉक्टर वेल्स अब जल्दी से बस लोकेशन पर आ जाइए, मैं टारगेट को लेकर पहुँच चुका हूँ और बस ज़्यादा लेट मत करना। अरे ये पता नहीं इसने मुझे कहाँ बुलाया है, यही वाली लोकेशन दी थी इसने शायद। यस ये रहा वो। ओके चलो जल्दी से इसके पास चलते हैं। हाँ वो तूने मेरे को बताया था कि तुझे कोई टारगेट मिला है, अच्छा तो ये है वो। और अब इसके बारे में किसी को पता ना चले इसलिए तेरी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, तू निकल। और अब मैं इसे जल्दी से लेकर चलता हूँ, मेरा इतने सालों की मेहनत आज क्या सफल हो पाएगी? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बस इसी एक एक्सपेरिमेंट में लगा दी और अब मुझे सिर्फ उसका परिणाम चाहिए। जगह पर तो मैं पहुंच गया हूँ, अब जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए मुझे। अगर आप लोगों को पता करना है कि फ्रैंकलिन के साथ क्या होने वाला है तो इस वीडियो में बने रहो। बस अब कुछ देर और फिर मैं कहलाऊंगा इस पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट और कोई भी अब मेरे पर हंसेगा नहीं। अरे ये लैब इतना खाली क्यों है, सबके सब कहाँ चले गए, इधर कोई भी नहीं है।
मैंने इन लोगों को कितनी बार बोला कि जब तक पूरी रिसर्च खत्म ना हो जाए घर मत जाया करो, पता नहीं क्यों चले जाते सबके सब। मैं आज इनकी पूरी सैलरी काट दूंगा, पता नहीं कहा ये कहीं इधर ना हो, क्योंकि मैंने इनको रिसर्च का काम दिया तो हो सकता है यही सर हो सकते हैं। अभी इनको ढूंढ के दिखा तो पता नहीं कहा है। ओके, अरे डॉक्टर थॉमस आप इधर हैं, मैंने इतनी देर से आप लोगों को ढूंढ रहा था। अरे यहाँ पर तुम सब क्या कर रहे हो, अपना रिसर्च का टाइम हो चुका है, जल्दी से सारा सेटअप लेकर आओ और उस फ्रैंकलिन को यहाँ ले आओ, मेरी गाड़ी भी पड़ा है वो। और दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये है अपनी पूरी टीम जो कि हम सब यहाँ पर रिसर्च पर काम कर रहे थे, और अभी हम यहाँ पर जो है पूरा सेटअप लगाते हैं एंड अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर फ्रैंकलिन को ले आए हैं और ये रहा वो फ्रैंकलिन। आई थिंक हमें यहाँ पर ये जो भी एक्सपेरिमेंट है जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन को मरे हुए बहुत टाइम हो चुका है और अगर ज़्यादा देर करी तो इस पर वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करने वाला। डॉक्टर थॉमस आप कर क्या रहे इतनी देर से, जल्दी से सारा ये सेटअप लेकर आइए, ये बीच में क्या रख रखा है, ये लीडर रील नहीं बनानी है, जल्दी सेटअप लेकर आओ। मैं इतनी देर से कह रहा हूँ सेटअप ले, कोई लाता ही नहीं है, ये लो अब लेकर आओ बेटा सेटअप। हाँ नहीं तो, तो अभी हमने यहाँ पर मशीन का पूरा सेटअप कर दिया और यहाँ पर ये पावर ऑन हो रही है, और जैसे ही ये ऑन होती है तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर रिजल्ट्स क्या होते हैं। हो सकता है कि ये जो रिएक्टर है ओवरलोड होकर पड़ जाए, लेकिन हमें यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। ओके ओके ओके, यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है, मतलब कुछ तो यहाँ होने वाला है। आई थिंक यहाँ पर मशीन हमारी सही से काम कर रही है। और अभी नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हर रिएक्टर यहाँ पर ओवरलोड हो रहा है। जैसे मैंने सोचा, डॉक्टर थॉमस अब एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखिए। डॉक्टर वेल्स अब ऐसा नहीं कर सकते, हम सबकी जान चली जाएगी। अरे तुम्हारी जान गई तेल लेने, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं रुकना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। डॉक्टर वेल्स अब ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। अरे अब तो कर दिया, अब तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चलना ही चाहिए। अरे डॉक्टर वेल्स आपने अच्छा नहीं किया, बस कुछ देर और, कुछ देर और अब ये एक्सपेरिमेंट रुकना चाहिए, बस कुछ देर और ये होने वाला है। उत्तर यहाँ पर तो मशीन उड़ गई है, मेरे को भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी। और ये क्यों क्या, यहाँ पर भाई से पूरे अपने हॉस्पिटल भी आग लग गई है, भागो भागो भागो, लैब से निकलना पड़ेगा। डैब निकलो भाई, अरे रास्ता कहाँ गया, ओए अभी एरिया एग्जिट, लिफ्ट खोल लिफ्ट खोल। अभी लिफ्ट कहाँ से चलेगी, अब मैं क्या करूँ। एक्सीडेंट के बाद फ्रैंकलिन तो बच गया, लेकिन डॉक्टर वेल्स और डॉक्टर थॉमस नहीं बच पाए, और यहाँ पर फ्रैंकलिन पर जो है एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। लेकिन आखिर ये एक्सपेरिमेंट था किस चीज़ का, आखिर ये मैं हूँ कहाँ पर, ये इतने सारे लोग नीचे क्यों हैं, इन लोगों को क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये मैं कहाँ पर हूँ, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, मैं ठीक हालत में भी नहीं लग रहा। आखिर यहाँ पर हुआ क्या, पता नहीं, यहाँ से मुझे बाहर चलना चाहिए। करीब बार मैं तो अपने दोस्त के बर्थडे में जा रहा था, मेरे को ये पता नहीं क्या हो गया, मैं घर जाना चाहिए, लेकिन मेरा घर कहाँ है, मुझे कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा, और ये मुझे क्या हो रहा है। यहाँ पर एक गाड़ी है, चलो इसी को लेकर चलते हैं। पता नहीं मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे किस रास्ते से जाना है, मुझे कुछ भी कुछ याद नहीं आ रहा है। आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे कुछ भी पता ही नहीं है। अरे मुझसे गाड़ी भी ठीक से नहीं चल रही होती, ये कार ठोक दी, बाहर निकलना पड़ेगा, गाड़ी वाड़ी चलाना अपना काम नहीं है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। यहाँ आसपास कोई है भी नहीं जो मेरी मदद कर पाए, मुझे पता नहीं जाना कहाँ आखिर, और मेरे को बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। अरे वहाँ कोई है, अरे 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 अंकल अंकल मेरी मदद कर दो, मेरे को मेरा घर का रास्ता नहीं मिल रहा, अंकल घर पे फोन करा दो। अरे अपने हवेलिया देखे, तेरे को रास्ता बताऊंगा, चल निकल यहाँ से, अबे चल जल्दी निकल ले यहाँ से। अरे अंकल देख लूंगा आपको भी अच्छे से देख लूंगा मैं, ए अंकल 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 देख लूंगा अंकल आपको भी देख लूंगा, सबको अच्छे से बताऊंगा अंकल देख लेना। अरे ये मुझे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मुझे, अरे ये मेरे अंदर कौन सी शक्ति आ गई, मैं हल कैसे बन गया, ओ तेरे मेरे अंदर सुपर पावर्स आ चुकी है, और ये पता नहीं कैसे हुआ, मुझे सबके बारे में पता लगाना पड़ेगा। और वो अंकल किधर गया, डर के भाग गया, अंकल को तो पता था अभी मैं अभी बड़ा चौड़ा हो रहा था ना मेरे सामने,
यार गाइस मेरे अंदर सुपर शक्ति आ चुकी है। ओ भाई ये क्या, मैं इतनी ऊंचे छलांग लगा सकता हूँ तेरी। ओ भाई साहब क्या ताकतवर बन गया हूँ भाई मैं। ओ तेरी तो अब तो भाई साहब मेरे से कोई पंगा लेकर दिखाए, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई ये तेरी है, चल निकल यहाँ से। ओ मेरे अंदर तो बहुत ही सारी शक्ति आ चुकी है, ये गाड़ी भी मेरे से नहीं बचेगी। अब देखो भाई मैं कैसे सबको सबक सिखाता हूँ। ये देखो भाई, ओ तेरी कहाँ छलांग लगा रहा हूँ मैं भाई साहब। ओ भाई तो गाइस यार आपको हमारी ये सुपर पावर्स कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर जरूर से जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं जल्द ही मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।